नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर। और मैं आपको बताने जा रही हूं जुलाई के महीने का आपका हेल्थ फोरकास्ट, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप इस महीने को बना सकते हैं अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके सन साइन के अनुसार आपका कैसा रहेगा ये महीना। तो आपको देखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना सन साइन जानिए और अपने इस महीने का फोरकास्ट देखिए मेरे टैरो कार्ड्स के अनुसार। तो बात करते हैं हम मेष राशि के लिए। तो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए हेल्थ फोरकास्ट है। कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ का। ये कार्ड ये बताता है कि ये महीना आपको, जैसे बोलते हैं ना, आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी रहेगी, आप काफ़ी, आपका लाइफ फोर्स काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, आप काफ़ी शक्तिशाली महसूस करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना मेष राशि वालों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपनी पुरानी किसी भी रोग में अगर रहे हैं तो आप उससे हील होंगे और आपकी जो है, जिसे बोलते हैं, एनर्जी फिर रीगेन होगी और आपको काफ़ी शक्तिवर्धक औषधियों की अगर आवश्यकता है तो आप वो लीजिए, वो आप पे काफ़ी अच्छा असर करेगी। आपके लिए बहुत ही, आपके लिए वेजिटेरियन डाइट या नॉन वेजिटेरियन डाइट जो भी आप लेते हैं वो आप ग्रहण कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छे, जिसे बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आपके ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स पर। चलिए अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो टॉरस के लिए बात करते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए तो आपका हेल्थ फोरकास्ट है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपकी जो हेल्थ है ना, थोड़ी सी चेंजिंग वेदर के साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कभी आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, कभी आपको लगेगा कि थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, तो मतलब थोड़ा वेदर्ड महसूस कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाए, सीजनल अफेक्ट हो सकता है आपकी हेल्थ को लेकर। देखिए, मुझे एक बात और आपको बतानी है कि आपको कोशिश करनी है कि आप कहीं से भी ना आउटसाइड फूड ना खाएं, खास करके जो स्ट्रीट साइड जो फूड मिलता है ना, उसे थोड़ा सा इस महीने आपको अवॉइड करना चाहिए और जो है ना उसी समय फ्रेशली कुक फूड आप खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय मुझे ये कार्ड बहुत इंडिकेशन दे रहे कि आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी कि बाहर का खाना खाएं, तो वो आपको थोड़ा सा उससे बचना होगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा। अब हम जेमिनी की बात करें तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है एम्प्रेस का। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। तो मैं जेमिनी राशि वालों के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेंगे आप, लास्ट मंथ से बेटर हेल्थ रहेगी आपकी, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात और है, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपने बढ़ते वजन से अगर आप परेशान हैं तो वो आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि वेट गेन हो सकता है आपको। तो आपको फिटनेस पे ध्यान देना है और थोड़ा सा अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ जतन करने पड़ेंगे, वरना आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, क्योंकि ये कार्ड ऐसी इंडिकेशन देता है। अच्छा, एक बात मैं और बताती हूँ आपको, अगर आप में से कुछ ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो जेमिनाइंस हैं और फीमेल्स खास करके एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाइल्ड के बारे में सोच रहे थे, तो इस महीने कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को, ऐसे कुछ इंडिकेशन देता है, खासकर ये जेमिनी वुमेन के लिए, कि अगर वो चाहते थे कुछ चाइल्ड न्यूज़ मिले, कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिले, तो मिल सकती है आप लोगों को। चलिए अब कैंसर की बात करते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। तो कैंसर यानी कर्क राशि के लिए निकल कर आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि देखिए, आप लोगों का ये मंथ थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट हो सकता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो आप सडनली इंटेक कर लें आपको नेगेटिव प्रभाव दे सकती है, अचानक ही उससे एलर्जी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग या कुछ इस तरह का आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ना सिर्फ शारीरिक रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। या ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई आपका अपना प्रभावित हो, उसको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए और उसकी वजह से आप परेशान हो। तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहिए, कुछ कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, सन साइन जिनका कैंसर है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट मंथ हो सकता है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। देखिए, आपको एक उपाय बता देती हूँ मैं, आई थिंक वो आपके लिए वर्क कर जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लीजिए, मतलब लगभग दो मुट्ठी भर के ऐसे नमक लीजिए और अपने हाथ में लेने के बाद अपने आराध्य को याद करते हुए आप अपने हाथ में रखिए उसे, और उसके बाद आप काफ़ी देर तक उसको अपने हाथ में रखिए और बिल्कुल एकांत में बैठिए ताकि कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे, और कम से कम नहीं तो 5-7 मिनट तक उस नमक को अपने हाथ में रखिए। और ये सूर्यास्त से पहले करना है आपको, जब सूर्यास्त ना हुआ हो, और उसके बाद उसको जाके आप अपने टॉयलेट फ्लश में उसको डालिए और उसको फ्लश कर दीजिए। बस ये
करके आप आ जाइए अपने वापस। इससे मतलब अगर कोई भी चीज़ होगी तो मैं चाहती हूँ कि वो नेगेटिविटी जो भी कुछ आने वाली है वो टल जाए, ताकि कुछ आपकी ये बहुत सारी और राशि वाले भी कुछ कष्ट आए तो उसको दूर कर सकते हैं इस छोटे से उपाय से। ये उपाय करके देखिए, आप सबको उससे बहुत लाभ होगा जब भी आप किसी भी कष्ट से गुजर रहे हैं। तो अब लियो की बात कर ली जाए, तो लियो यानी कि सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। एम्परर का कार्ड, तो आपके लिए कार्ड अच्छा निकल कर आया है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अपने हिसाब से ही चलाना चाहेंगे, आप स्वास्थ्य स्वस्थ तो रहेंगे लेकिन एक बात है, बहुत आलसी रहेंगे आप। अपने आलस्य से आप थोड़े से अपने लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं कि लोग आपके बारे में एक ओपिनियन बना देंगे, ये बंदा तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से, मतलब बैठे बैठे सारे काम करवाना चाहते हैं। मतलब आप एक्चुअली, आपका एटीट्यूड भी ऐसा हो जाएगा कि लोगों से काम कराओ, बैठे रहो, मतलब हिलो ही ना, तो ऐसे तो काम चलता नहीं है ना। आप अपनी फिजिकल मूवमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा कुछ मुझे नजर आता है। वेट पुट ऑन कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ आपको स्पाइन से रिलेटेड कुछ ऐसी हल्की सी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको बैक प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसी, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिए। अदरवाइज आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी खाइए उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी फूडी भी रहेंगे इस पूरे महीने आप। मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा वेज नॉन वेज सब कुछ ही खाते रहेंगे, सब डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आप लोगों की, खाने पीने का कोई परहेज भी नहीं, मैं आपको बताऊँगी वो सब ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, मूवमेंट थोड़ा रखिए, उठिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब वर्गो की बात करते हैं, वर्गो यानी कि कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए निकल कर आया है द मैजिशियन का कार्ड। ठीक है, ये तो कार्ड अच्छा कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड बताता है स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या अगर आपकी है तो वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे चिकित्सक का संरक्षण, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इलाज हो सकता है। अगर आप खुद अपने आप को फिट बनाना चाह रहे हैं या अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना चाहते हैं तो आप खुद बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो ट्रेनर मिल सकता है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि लोगों को टीच करें हेल्थ फिटनेस के बारे में, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये महीना आप अपने हिसाब से चलाएंगे और चला भी पाएंगे, और मतलब चलाना चाहेंगे और चला भी पाएंगे, कुछ ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और जहाँ तक फूड इनटेक का सवाल है, तो आप किसी के सुनने तो वाले नहीं है, सब कुछ अपने हिसाब से चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पूरे महीने में आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपको जो लिक्विड डाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए, लिक्विड डाइट्स का इनटेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लीजिए। एरेटेड ड्रिंक्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बाकी आप लिक्विड डाइट जितना हो सके उतनी ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अब लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए निकल कर आता है ये कार्ड द सन का कार्ड। तुला राशि के लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा महीना है। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि जैसे पुनः आपके अंदर वो शक्ति आ गई जो आप पहले महसूस करते थे। अगर आप मिडिल एज हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल 20s में जैसे यंग थे वैसा महसूस करेंगे, और अगर आप बच्चे हैं तो आप वैसे ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। आपका जैसे होता है रेजुविनेशन का, जैसे बोलते हैं टाइम होता है ना, वैसा फिजिकली बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ में हीलिंग महसूस करेंगे, अगर आप किसी तरह से सिकनेस की तरफ थे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस समय कोई भी परेशानी अगर आपको रही है तो इस समय आपको उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका आउटडोर्स में टाइम बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा, एनिमल लव मुझे नज़र आ रहा है आपका। मुझे ऐसे एक चीज़ और है, आपको ना इस महीने क्या करना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज मुझे ना इस कार्ड को देख के एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको, अगर आप पक्षियों को दाना डालें तो आपको उसका गुड कर्मा आपके लिए बहुत अच्छे मैरिट जनरेट करेगा। आप खास करके लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए मैं इंडिकेशन दे रही हूँ कि आपको पक्षियों को दाना ऑफर करना चाहिए इस महीने, ताकि वो उसे ग्रहण करें और उनका जो पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको मिलेगा, आपके लिए गुड मेरिट एक्यूमुलेट होगा और उसका आपको जरूर उसका कुछ अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की बात की जाए। वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया। एस ऑफ स्वॉर्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बताता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हेल्थ हो सकती है थोड़ी सी, एक अटेंशन मांग सकती है आपकी, आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। ये कार्ड मेडिकल सुपरविजन भी बताता है, और ये बताता है कि खाने पीने में ध्यान देना है, आउटसाइड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको, बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, और बिल्कुल ग्रिष्ट भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हो सके तो जितना हो सके तो बिल्कुल लाइट फूड आप लीजिए। आउटसाइड फूड बिल्कुल नो है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अच्छा, अगर आप पहले से बीमार हैं, कुछ ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं,
तो आपको मेडिकल इंसर्शन की भी ज़रूरत हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, तो इसलिए आपको राइट जगह पर मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। आप बिल्कुल किसी भी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की एडवाइस लेने में या कोई भी ट्रीटमेंट लेने में अगर आप ज़रा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ आप मतलब सब ठीक हो जाएगा अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप ठीक से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और आपके लिए मैंने बताया लाइट फूड और बैलेंस डाइट लेके चलिए, अच्छा रहेगा। आप भी वेजिटेरियन डाइट ही रखें तो अच्छा रहेगा। फ्रूट्स का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्रूट्स खाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। राशि निकल कर आती है सैजिटेरियस, तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। आपके लिए निकल कर आता है द वर्ल्ड का कार्ड, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है वर्ल्ड का, जो कहता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा ये मंथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप पहले से बेटर महसूस करेंगे, रिचार्ज महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा सा बेटर हो गया है और थोड़ा सा आप अपनी मॉर्निंग वॉक वगैरह ऐसा कुछ शुरू करना चाहेंगे तो आप इस महीने मुझे लगता है कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉर्निंग टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छे मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड मुझे एक चीज़ और बताता है कि हीलिंग के लिए तो अच्छा है ही है, कुछ फन एंड फ्रॉलिक के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, दोस्तों के लिए अच्छा है। फ्रेंडशिप का महीना है ये, फ्रेंडशिप का टाइम है आप लोगों के लिए, दोस्तों के साथ जितना समय बिताएंगे उतना मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी आप लोगों की, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, ग्रीन कार्ड है तो आपके लिए वेजिटेरियन डाइट ही रिकमेंडेड है। ग्रीनरी में समय बिताइए, प्लांट्स की सेवा कीजिए, खूब पानी दीजिए, खाद वाद दीजिए पानी को वो पौधों को, और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको भी अफेक्ट करेगी और आप खुद भी हेल्थी महसूस करेंगे। जितने प्लांट्स हेल्दी होंगे उतना आप अच्छा महसूस करेंगे, आप ज़रूर कीजिए प्लांट्स की सेवा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए निकल कर आया है द स्टार का कार्ड। देखिए ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कार्ड बता रहा है कि इस समय आपके ऊपर है ईश्वर का हाथ, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आप पे नहीं आ सकती। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है, कोई मेजर प्रॉब्लम है भी अगर हेल्थ की में आप हैं, तो ईश्वर आपको देख रहा है, आपके ऊपर उसका हाथ है, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो आपको इस महीने किसी भी तरह की इशू से बाहर निकाल देगा भगवान, तो आप घबराइएगा मत। और एक बात और है, इस महीने जो है ना, मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप बेटर महसूस करेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है इस मंथ का, ये जो स्पिरिचुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है काफ़ी अच्छी होगी। तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग महसूस करेंगे आप। आपके लिए मैं एक मंत्र बताती हूँ, ओम आ हूँ, इससे पावर ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पीच के लिए मंत्र है ओम आ हूँ। ये मंत्र आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा आपको, ये मंत्र आप सुबह शाम 108 बार चैंट कीजिए, ओम आ हूँ, ये माइंड बॉडी एंड स्पीच का मंत्र है, ये आपको चैंट करना चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा। चलिए अगली राशि एक्वेरियस की बात कर ली जाए, तो एक्वेरियस के लिए कार्ड निकालती हूँ। एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है किसी की सहायता से ही चाहे आप अपने आप को बेटर महसूस करें, लेकिन आप कर लेंगे। आप काम में काफ़ी डूबे रहेंगे, किसी वजह से आपको प्रेशर होगा, किस काम का प्रेशर होगा, आप काफ़ी व्यस्त होंगे, लेकिन व्यस्तता के होते हुए भी आप अपना ध्यान रख पाएंगे। आप पे स्ट्रेस है वर्क का बहुत ज़्यादा, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड बहुत इंडिकेशन देता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन इस बिजनेस में भी आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और आप दे भी पाएंगे अगर आप इस चीज़ पे ज़रा सा भी गौर करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी बिजनेस में आपको हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ये आपके लिए एडवाइस है। दूसरी बात ये कि ये जो मंथ है ये भी हीलिंग का ही मंथ है, शायद ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल हीलिंग का मंथ होगा, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता, कोई गुरु नहीं सिखा सकता, कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखाएगा। वो समय जो सिखाएगा ना, वो लेसन, वो आपकी ज़िंदगी में आपका रुख बदल सकता है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। तो आप इस महीने बहुत कुछ सीखेंगे और उस सीख से आगे बढ़ेंगे और आप उससे मानसिक रूप से तो स्ट्रांग होंगे ही, वो आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थता प्रदान करेगा। तो आपके लिए मैं बोलूँगी ये मंथ थोड़े से एफर्ट के साथ आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और डाइट का जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस डाइट आपके लिए ज़रूरी है। शक्तिवर्धक कोई मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ आप कैरी कुछ आप शुरू करना चाहें तो किसी डॉक्टर के एडवाइस से आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, मल्टीविटामिन्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और
अब आखिरी राशि का रुख करते हैं, तो अब मीन राशि की बात कर लीजिए। आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, तो आपके लिए ये है आखिरी कार्ड। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है आप लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर। जितना डिसिप्लिन आप रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा इग्नोर करते रहे हैं पास्ट में अपने हेल्थ को। अब जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपको गाइड भी करेंगे लोग कि आप ये खाओ ये ना खाओ, इस तरह की आपको लोगों की तरफ से एडवाइस मिलती रहेगी। तो ये महीना आपका डिसिप्लिन में रहकर अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसा आप खाएंगे पियेंगे वैसे रिजल्ट मिलेगा। अच्छा खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं, मतलब तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब तो कार्मिक है आपके लिए मंथ, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलता जाएगा। तो आप जैसा मंथ बनाना चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बना सकते हैं। अवॉइड कीजिए आप जैसे बोलते हैं ना कि पहले का पका हुआ खाना, फ्रेश खाना खाइए, क्योंकि वैसे भी इस महीने बारिशों के महीने में ना खाना थोड़ा सा ताज़ा ही खाना बेहतर होता है, क्योंकि खाना जो है ना पाचन क्रिया इतनी अच्छी काम नहीं करती है। जनरली जुलाई का महीना होता है ना, जुलाई अगस्त का महीना, तो आपको फ्रेश ही खाना खाना चाहिए। तो आपके लिए यही एडवाइस। तो ये आप सभी राशियों का हेल्थ फोरकास्ट था जुलाई के महीने का। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताती हूँ। कीप वॉचिंग मी ऑन अदर वीडियोस। तो मिलते हैं जल्दी, नमस्कार।